नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिल सके। साल है 1998। दिल्ली में गर्मियां पड़ रही हैं और इन्हीं गर्मियों में एक दिन इंडियन एक्सप्रेस की एक युवा पत्रकार छतरपुर के एक आलीशान फार्म हाउस में प्रवेश कर रही है। इस पत्रकार का नाम है सुपर्णा शर्मा और आज ये यहाँ इस फार्म हाउस पर दिल्ली के एक नेता का इंटरव्यू लेने आई है। मेन गेट से अंदर घुस सुपर्णा अभी कुछ कदम ही चलती है कि तभी उसकी नजर इस फार्म हाउस के लॉन पर पड़ती है, जिसमें एक बड़ा सा चमचमाता हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ था। एक नेता के फार्म हाउस में हेलीकॉप्टर खड़ा देख सुपर्णा बहुत ज्यादा चौंक जाती है। इससे पहले भी वो कई बड़े नेताओं और बिजनेस टाइकून्स के इंटरव्यू ले चुकी थी, लेकिन आज तक उसने किसी की पार्किंग में हेलीकॉप्टर नहीं देखा था। काफी ज्यादा चौंक चुकी सुपर्णा इस हेलीकॉप्टर पर अपनी आंखें गड़ाए आगे की तरफ चलती जा रही थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज आती है। अरे वहां नहीं मैम, नेताजी इधर बैठे हुए हैं। ओ सॉरी भैया, वैसे आपके साहब से कोई मिलने आया हुआ है क्या? वो ये हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है ना, इसलिए पूछ रही हूँ। अति उत्सुक सुपर्णा इस नेता के पीए से ये पूछती है तो बिना एक सेकंड की देरी किए वो उत्तर देता है, नहीं मैडम, कोई नहीं आया हुआ, ये हेलीकॉप्टर ये तो हमारे नेताजी का ही है। इंटरव्यू खत्म करने के बाद सुपर्णा अपने ऑफिस वापस तो आ जाती है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी उस नेता का वो आलीशान फार्म हाउस ही घूमे जा रहा था। अभी कुछ घंटों पहले उसने अपनी आंखों से जो लाइफस्टाइल देखा था वो एक नेता का कम और किसी फिल्मी विलन का लाइफस्टाइल ज्यादा लग रहा था। एक खादीधारी का इतना आलीशान लाइफस्टाइल देख सुपर्णा की बाईं आंख फड़फड़ाना शुरू हो चुकी थी और अब वो जानना चाहती थी कि वास्तव में ये आदमी नेता ही है या फिर भेड़ की खाल में छिपा कोई भेड़िया। अपने सोर्सेस से इस नेता के ऊपर कुछ और जानकारी और डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने के बाद सुपर्णा नीरज कुमार से मिलती है, जो उस समय सीबीआई की स्पेशल टास्क फोर्स में डीआईजी हुआ करते थे। सर, मुझे इस आदमी से एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही थी। जरा सोचिए, एक नेता के लॉन में अपना खुद का पर्सनल हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है, कितनी अजीब सी बात है। नीरज कुमार की मेज पर अपने डॉक्यूमेंट्स रखते हुए सुपर्णा आगे कहती है, सर हो सकता है कि ये सिर्फ मेरा एक वहम हो और मैं पूरी तरह गलत हूँ, लेकिन फिर भी आप एक बार इस आदमी को चेक जरूर कर लीजिएगा। अब सुपर्णा के आग्रह पर इसको एक नॉर्मल सा मैटर मान नीरज कुमार इसे इन्वेस्टिगेट करना शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में साफ हो जाता है कि ये मैटर नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। आने वाले दिनों में नीरज कुमार की इन्वेस्टिगेशन इस पूरे सिस्टम से ही उनका विश्वास हिलाने वाली थी। इन्वेस्टिगेशन जो खुलासा करने वाली थी कि कैसे दाऊद का एक गुर्गा खादी पहन इस देश की संसद में घुसने के अत्यंत करीब पहुंच चुका था। नेता जो बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध रखता था, नेता जिसे इस देश की सरकारों से संरक्षण मिलता आ रहा था, नेता जो दूसरे लोगों की जमीन जायदाद और बहु बेटियों को हड़प लिया करता था, नेता जो इंसान नहीं बल्कि खादी पहनने वाला एक दानव था। नमस्कार, जय मां भारती। रोमेश शर्मा 90 के दशक की भारतीय राजनीति का एक ऐसा नाम जो शायद आपने नहीं सुना होगा, और यदि नहीं सुना तो विश्वास जानिए कि यह आपका दुर्भाग्य नहीं बल्कि सौभाग्य है। इस आदमी की कहानी सुनते समय हो सकता है कि आपको गुस्सा आए और आप अपने इस देश के राजनीतिक और कानूनी सिस्टम के ऊपर शर्म महसूस करने लगे, लेकिन यदि एक तरफ इस सिस्टम ने रोमेश शर्मा जैसे मामूली गुंडों को पाल पोस कर राक्षस बनाया तो वहीं दूसरी तरफ इन राक्षसों का वध करने के लिए नीरज कुमार जैसे देवताओं को शक्तियां भी प्रदान की। और इस कहानी को सुनते समय हमें यह बात याद रखनी होगी, रोमेश शर्मा की यह कहानी रंक से राजा नहीं बल्कि दानव बनने की है। एक ऐसे दानव की जो अपने असली रूप को
खादी की आड़ में छिपा अपने कुकृत्यों को अंजाम दिया करता था। ये कहानी है अंडरवर्ल्ड के एक हिटमैन की, जो सालों तक खादी पहन अपराध का नंगा तांडव करता रहा और हमारी सरकारें उसे रोकने की बजाय अपनी पलकों पर बिठाकर उसको पालती रही। रोमेश शर्मा नाम का नेता दिल्ली के मेफेयर गार्डन में रहा करता था। नीरज कुमार ने भी इसका नाम सुना हुआ था और एक संदिग्ध चरित्र होने के बावजूद भी आज तक इसका कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं था। सुपर्णा से हेलीकॉप्टर वाली जानकारी मिलने के बाद नीरज कुमार ओपी चटवाल को मिलने के लिए बुलाते हैं, जो सीबीआई एसटीएफ में एक एसपी थे। थोड़ी देर विचार विमर्श करने के बाद दोनों पुलिस ऑफिसर सीबीआई के इंस्पेक्टर हसन को इस हेलीकॉप्टर की शुरुआती जांच करने का जिम्मा सौंप देते हैं। अपने सीनियर से आदेश मिलते ही इंस्पेक्टर हसन छतरपुर स्थित उस फार्म हाउस के बाहर पहुंच तांक झांक करना शुरू कर देते हैं। इस फार्म हाउस की दीवार में पड़ी दरारों से भीतर झांकते हुए इंस्पेक्टर हसन देखते हैं कि वाकई अंदर एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है और इसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में कुछ अंग्रेजी लेटर्स भी लिखे हुए हैं, जो थे VT-EAP। उधर नीरज कुमार को सुपर्णा से रोमेश शर्मा के कुछ फोन नंबर्स भी मिले थे, लेकिन इन नंबर्स को सीबीआई की औपचारिक कार्यवाही द्वारा सर्वेलेंस पर डालने का मतलब था कई महीने खराब करना। इसीलिए वो एक दिन दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह को मिलने के लिए बुलाते हैं। इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह दिल्ली पुलिस में नीरज कुमार के अंडर काम कर चुके थे और उनके अत्यंत विश्वसनीय ऑफिसर्स में से एक थे। ईश्वर सिंह को पूरी बात समझाने के बाद नीरज कुमार उन्हें ये नंबर सर्वेलेंस पर डालने के लिए दे देते हैं। रोमेश शर्मा की आपराधिक प्रोफाइल से पहले से ही अवगत इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह तुरंत एक वारंट इशू करवाते हैं और इन नंबर्स पर होने वाली बातचीत को इंटरसेप्ट करना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान इंस्पेक्टर हसन रोमेश के हेलीकॉप्टर पर लिखा वो कोड ओपी चटवाल को दे देते हैं और चटवाल इस हेलीकॉप्टर की डिटेल्स पता करने के लिए बिना कोई समय गवाए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ संपर्क साधते हैं। AI से पता चलता है कि बेल 47G5 मॉडल का यह हेलीकॉप्टर पहले एच सुरेश राव के नाम पर रजिस्टर्ड था, मुंबई के रहने वाले एक व्यापारी जो पुष्पक एविएशन लिमिटेड के एक लौते मालिक हैं। AI के रिकॉर्ड्स खुलासा करते हैं कि इस हेलीकॉप्टर को 1996 में रोमेश शर्मा को बेच दिया गया था, लेकिन जो बात ओपी चटवाल को बहुत ज्यादा चौंका देती है वो थी इस हेलीकॉप्टर की कीमत। इन रिकॉर्ड्स के अनुसार सुरेश राव ने अपना यह हेलीकॉप्टर रोमेश शर्मा को केवल 40,000 रुपये में बेचा था। इस जानकारी से नीरज कुमार के कान भी खड़े हो जाते हैं और वो ओपी चटवाल को तुरंत मुंबई जा सुरेश राव से मिलने का आदेश दे देते हैं। मुंबई पहुंचकर ओपी चटवाल सुरेश राव को मिलने के लिए सीबीआई के ऑफिस बुलवा लेते हैं। शुरू में थोड़ा घबरा रहे राव को जब एक बार ये विश्वास हो जाता है कि ये रोमेश की उनके खिलाफ कोई नई चाल नहीं है, तब वो चटवाल को इस हेलीकॉप्टर की पूरी कहानी सुनाते हैं। साल था 1996 और भारत में आम चुनाव होने वाले थे। रोमेश शर्मा भी यूपी की फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहा था और इसी दौरान उसने राव की कंपनी से हेलीकॉप्टर किराए पर लिया था। रोमेश ने राव से कहा था कि कागजों में इस हेलीकॉप्टर का किराया नहीं दिखाया जा सकता क्योंकि खर्चे को ले चुनाव आयोग के नियम कुछ ज्यादा ही सख्त हैं। इसीलिए अच्छा यही होगा कि राव कागजों में ये दिखा दें कि इस हेलीकॉप्टर को चुनावों से पहले ही बेच दिया गया था और वो भी एक बहुत ही मामूली से मूल्य पर। लोगों को चूना लगाने में माहिर रोमेश ने राव को विश्वास दिला दिया था कि चुनाव होते ही वो उन कागजों को उनके सामने ही नष्ट कर देगा और उनको हेलीकॉप्टर लौटाने के साथ साथ उसका पूरा किराया भी दे देगा। कुछ तो रोमेश शर्मा की मीठी मीठी बातें थी और कुछ लालच। 24 फरवरी 1996 के दिन सुरेश राव रोमेश शर्मा को केवल 40,000 रुपये में यह हेलीकॉप्टर बेचने वाले कागजों पर साइन कर देते हैं। एक महीने बाद 26 मार्च के दिन इस हेलीकॉप्टर को फूलपुर भिजवा दिया जाता है, जहां रोमेश शर्मा अपने चुनावी अभियान में इसका जी भर के प्रयोग करता है। जल्दी चुनाव हो जाते हैं, नतीजा आ जाता है और रोमेश शर्मा बहुत ही बुरी तरह हार भी जाता है।
चुनावों के बाद 11 मई 1996 के दिन सुरेश राव अपनी कंपनी के कुछ आदमियों को हेलीकॉप्टर वापस लाने फूलपुर भेज देते हैं, लेकिन जब ये लोग रोमेश के पास पहुंचते हैं तो वहां का दृश्य देख इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये देखते हैं कि रोमेश के आदमी बिजली की फुर्ती से हेलीकॉप्टर का एक एक पुर्जा अलग करने में लगे हुए हैं। इससे पहले के राव के इन आदमियों में से कोई कुछ बोल पाता, रोमेश शर्मा के गुंडे इनकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं और फिर इन्हीं की आंखों के सामने इनके हेलीकॉप्टर के पुर्जों को एक ट्रक में ला दिल्ली के लिए रवाना कर दिया जाता है। दिल्ली पहुंचने के बाद रोमेश के छतरपुर वाले फार्म हाउस पर इन पुर्जों को फिर से असेंबल करके हेलीकॉप्टर तैयार कर लिया जाता है और फिर इसे एक बहुमूल्य ट्रॉफी की तरह इस फार्म हाउस पर सजा दिया जाता है। इसके बाद सुरेश राव रोमेश शर्मा से मिलने के लिए अनेकों बार दिल्ली आते हैं, लेकिन हर बार उनकी मुलाकात रोमेश की जगह गालियों और धमकियों से ही होती है। इस जानकारी के आधार पर नीरज कुमार रोमेश के ऊपर एक प्रेजेंटेशन बना अपने बॉस और सीबीआई डायरेक्टर टीएन मिश्रा के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। सीबीआई में आने से पहले मिश्रा एसपीजी में काम कर चुके थे और उन्होंने रोमेश शर्मा को कई बड़े वीवीआईपी नेताओं व मंत्रियों के साथ उठते बैठते और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री निवास पर भी आते जाते कई बार देखा हुआ था। शायद इसीलिए थोड़ी देर तक कुछ सोचने के बाद टीएन मिश्रा नीरज कुमार को आगे बढ़ने से मना तो नहीं करते, लेकिन रोमेश पर हाथ डालने से पहले उसके खिलाफ और पुख्ता सबूत इकट्ठा करने को जरूर कहते हैं। टीएन मिश्रा के साथ हुई इस मीटिंग के एक महीने बाद नीरज कुमार को एक दिन होम मिनिस्ट्री से एक स्पेशल सेक्रेटरी का फोन आता है। नीरज कुमार का सीनियर कलीग रह चुका है सिविल अधिकारी उनको एक ओवरसीज फोन नंबर दे इसके मालिक का पता लगाने के लिए कह रहा था। 93 के धमाकों के बाद से ही नीरज कुमार अंडरवर्ल्ड के फोन नंबर्स का एक विशाल डेटाबेस तैयार करने में लगे हुए थे और जब वो इस फोन नंबर को अपने कंप्यूटर प्रोग्राम में डाल सर्च करते हैं तो उनकी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक नाम फ्लैश होने लगता है। ये नाम था अबू सलीम अब्दुल कय्यूम अंसारी। नीरज कुमार जब ये बात बताने के लिए स्पेशल सेक्रेटरी को फोन करते हैं तो वो उन्हें तुरंत नॉर्थ ब्लॉक पहुंचने के लिए कहते हैं। नॉर्थ ब्लॉक पहुंचने के बाद नीरज कुमार को पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी अरविंद वर्मा से मिलवाया जाता है, जो उन्हें बताते हैं कि उनके एक दोस्त रमेश मलिक को इस नंबर से धमकियां मिल रही हैं। कुछ दिन पहले इस नंबर से रमेश मलिक के नंबर पर एक कॉल आई थी और दूसरी तरफ से बोल रहा आदमी खुद को अबू सलीम बताते हुए उनको धमकियां दे रहा था। वो चाहता था कि रमेश मलिक जल्द से जल्द अपना चिराग एनक्लेव वाला ऑफिस कॉम्प्लेक्स अपने चचेरे भाई अशोक मलिक के नाम कर दें। जब नीरज कुमार ये कंफर्म करते हैं कि फोन करने वाला वो आदमी वास्तव में अबू सलीम ही है तो अरविंद वर्मा उनसे रमेश मलिक की सहायता करने का आग्रह करने लगते हैं। अगले दिन नीरज कुमार मुंबई में पोस्टेड सीबीआई के अपने एक इंस्पेक्टर को ये जिम्मा सौंप देते हैं और फिर कई लोगों से होता हुआ यह संदेश अबू सलीम तक पहुंच जाता है कि डीआईजी साहब को रमेश मलिक को मिल रही धमकियों के बारे में पता चल चुका है। उधर जैसे ही अबू सलीम को यह संदेश मिलता है वो सबसे पहले रमेश मलिक को ही फोन घुमाता है। हेलो, कौन बोल रहा है? घबराई हुई आवाज में मलिक ये पूछता है तो दूसरी तरफ से आवाज आती है, क्या मलिक साहब, आपने कभी बताया नहीं कि आप सीबीआई में इतने बड़े बड़े लोगों को जानते हैं? अरे नीरज कुमार आपके जानने वाले हैं, आपको बताना चाहिए था ना। आज अपनी आवाज में बिल्कुल अलग ही नरमी लिए अबू आगे कहता है, मलिक साहब आप बिल्कुल बिंदास हो जाओ, अब आपको मुझसे कोई टेंशन नहीं मिलेगा और हाँ, कोई दूसरा आपको हुक्म देता है तो मेरे को इसी नंबर पे कॉल करके बताने का। उधर रोमेश शर्मा के फोन नंबर्स को टैप कर रहे क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह उसके और अबू सलीम के बीच हुई कॉल्स को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं और इन कॉल्स को सुनने के बाद सीबीआई डायरेक्टर टीएन मिश्रा आखिरकार नीरज कुमार को रोमेश शर्मा के ऊपर हाथ डालने की अनुमति दे ही देते हैं। मिश्रा से ग्रीन सिग्नल मिलते ही नीरज कुमार पुष्पक एविएशन के सुरेश राव से संपर्क करते हैं। उनके आग्रह करने पर सुरेश राव दिल्ली आ जाते हैं और सीबीआई के साथ मिलकर रोमेश को दबोचने के लिए एक प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। प्लान कुछ ये था कि सुरेश राव रोमेश के मेफेयर गार्डन वाले निवास पर जाकर एक बार फिर अपना हेलीकॉप्टर वापस मांगेंगे। रोमेश इसके लिए कभी तैयार नहीं होगा और उनके साथ गाली गलोच मारपीट करेगा, जिसके बाद वो हौसघास पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवा देंगे। एफआईआर होते ही सीबीआई को ये केस ट्रांसफर कर दिया जाएगा और फिर सीबीआई उसको गिरफ्तार कर लेगी। अब नीरज कुमार का ये प्लान था तो बहुत ही सिंपल, लेकिन जो प्लान कागज के ऊपर सिंपल दिखाई पड़ते हैं कई बार वास्तविक जीवन में उतने ही पेचीदा साबित होते हैं।
20 अक्टूबर 1998 की दोपहर सुरेश राव, उनके एक दोस्त राकेश गुप्ता, एसपीओपी चटवाल और डीआईजी नीरज कुमार साउथ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी के ऑफिस पहुंच जाते हैं। एक बार फिर अपने प्लान को रिवाइज करने के बाद सुरेश राव राकेश गुप्ता और एसपी चटवाल के साथ मेफेयर गार्डन के लिए निकल जाते हैं, जबकि नीरज कुमार वहीं पर रुकते हैं। मेफेयर गार्डन पहुंचने के बाद सुरेश राव रोमेश के घर के अंदर चले जाते हैं, जबकि राकेश गुप्ता और एसपी चटवाल थोड़ी दूरी पर अपनी गाड़ी पार्क कर इस घर के ऊपर नजरें गड़ाए बैठ जाते हैं। अंदर गए राव को अभी ठीक से 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि तभी गुप्ता और चटवाल देखते हैं कि रोमेश शर्मा सुरेश राव को उनकी गर्दन से पकड़ घसीटता हुआ बाहर ला रहा है। इससे पहले कि एसपी चटवाल कुछ कर पाते, रोमेश शर्मा सुरेश राव को अपनी गाड़ी में डाल फुल स्पीड में वहां से निकल जाता है। एसपी चटवाल भी चुपचाप अपनी गाड़ी में उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं और थोड़ी देर बाद रोमेश की गाड़ी महादेव रोड पर बने बंगला नंबर 11 के अंदर घुस जाती है। एक बंगला जो वैसे तो केंद्र सरकार द्वारा एक एमपी को अलॉट किया गया था, लेकिन आजकल रोमेश शर्मा के कब्जे में था। ये देखते ही चटवाल और गुप्ता वापस डीसीपी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, जहां नीरज कुमार अपनी उंगलियों के नाखून चबाने में लगे हुए थे। इस पॉइंट पर इन पुलिस ऑफिसर्स और गुप्ता के लिए एक एक क्षण काटना भारी हो रहा था। घड़ी की सुइयां स्लो मोशन में घूम रही थी और इन सब की जान हलक में आ चुकी थी। कलेजा चीरने वाली इस टेंशन से भरे कई मिनट बीत जाने के बाद नीरज कुमार डीसीपी साउथ की तरफ एक इशारा करते हैं और ये डीसीपी साहब अपने एक इंस्पेक्टर जसबीर सिंह को तुरंत बंगला नंबर 11 पर रेड मार सुरेश राव को रेस्क्यू करने का आदेश दे देते हैं। इधर एक टीम महादेव रोड के लिए निकलती है और उधर नीरज कुमार के नेतृत्व में दूसरी टीम मेफेयर गार्डन के लिए। रोमेश के घर के अंदर घुसते ही नीरज कुमार अपनी टीम को घर का कोना कोना उधेड़ने का आदेश देते हुए खुद भी तलाशी लेने में लग जाते हैं। कुछ ही मिनटों की तलाशी के बाद ऐसा लगने लगता है जैसे रेड किसी नेता के घर पर नहीं बल्कि जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में दिखाए जाने वाले विलन के घर पर पड़ी है। रोमेश शर्मा के इस घर में अलमारियों के पीछे बने हुए कई गुप्त दरवाजे और एस्केप रूट्स थे। एक फुल फ्लैश आलीशान जिम था, दीवारों पर कई सारे एग्जॉटिक जानवरों की खाल टंगी हुई थी और घर के अंदर बनी बार दुनिया की महंगी से महंगी शराब की बोतलों से सजी हुई थी। लेकिन वो चीज जिसे देखने के लिए नीरज कुमार की आंखें तरस रही थी, वो उन्हें रोमेश के बेडरूम में गद्दों के अंदर छिपी हुई मिलती है। अपने आलीशान किंग साइज बेड के गद्दों में रोमेश शर्मा ने दिल्ली और मुंबई की कई सारी प्रॉपर्टीज के पेपर छिपाए हुए थे। ये सारी वही प्रॉपर्टीज थी जिनके ऊपर उसने दाऊद और अबू सलीम की सहायता से जबरदस्ती कब्जा किया हुआ था। अभी सीबीआई और दिल्ली पुलिस की जॉइंट टीम इस घर को उधेड़ने में लगी हुई थी कि तभी बाहर रोमेश की गाड़ी आकर रुकती है। दरवाजा खुलता है और गुस्से से उबल रहा हट्टा कट्टा रोमेश शर्मा नीचे उतर तेज रफ्तार में घर की तरफ चलना शुरू कर देता है। जानते नहीं क्या किसके घर में खड़े हो, तुम सबकी नौकरियां खा जाऊंगा मैं। पुलिस वालों को गरियाता हुआ रोमेश शर्मा जैसे ही अपने ड्राइंग रूम में घुसता है तो सबसे पहले उसकी नजरें नीरज कुमार पर पड़ती हैं। ए, ये क्या तमाशा लगा रखा है, चल जल्दी बाहर निकल, साले तेरी हिम्मत कैसे हुई अंदर। ये चिल्लाता हुआ रोमेश शर्मा तेज गति से नीरज कुमार की तरफ बढ़ ही रहा था कि नीरज कुमार उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ जड़ देते हैं। नीरज कुमार के एक ही थप्पड़ में रोमेश शर्मा नीचे गिर पड़ता है और तभी नीरज कुमार उसे कॉलर से घसीटते हुए उसके बेडरूम में लेकर जाते हैं, जहां गद्दों के अंदर रुई की जगह प्रॉपर्टीज के पेपर भरे हुए थे। साले कागज तो तेरी सहेलियों के लव लेटर्स है ना, रोमेश शर्मा की खोपड़ी इन कागजों की तरफ घुमाते हुए नीरज कुमार ये कहते हैं तो उसकी सारी अकड़ गायब हो जाती है और अगले ही क्षण वो उनके पैर पकड़ गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है। मेफेयर गार्डन से रोमेश शर्मा को हौस खास पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहां इंस्पेक्टर जसबीर सिंह भी सुरेश राव को लेकर पहुंच चुके थे। राव की कंप्लेंट को आधार बनाते हुए रोमेश शर्मा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया जाता है और अपने जीवन में आज पहली बार रोमेश शर्मा को हथकड़ी पहनने का सौभाग्य प्राप्त हो ही जाता है। रोमेश
रोमेश शर्मा के घर से मिले सबूतों के आधार पर नीरज कुमार उसके द्वारा हथियाई गई सभी संपत्तियों की सूची बनाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा वो उन सभी नेताओं की सूची भी बनाते हैं जिनके रोमेश शर्मा के साथ काफी ज्यादा घनिष्ठ संबंध थे, रोज का उठना बैठना था। इन नेताओं में से कुछ नाम तो ऐसे थे जो नीरज कुमार जैसे एक पके हुए ऑफिसर को भी बुरी तरह हिलाकर रख देते हैं। आरजेडी के सर्वे सर्वा लालू प्रसाद यादव का रोमेश शर्मा के साथ लगभग रोज का उठना बैठना था। लालू रोमेश को इतना ज्यादा पसंद करते थे कि उसे अपनी पार्टी से राज्यसभा का टिकट तक देने का मन बना चुके थे। और यदि वो अरेस्ट ना हुआ होता तो शायद लालू प्रसाद यादव डी कंपनी के एक आदमी को इस देश की राज्यसभा तक पहुंचा भी चुके होते। ऐसे ही दूसरे नेता थे ओम प्रकाश चौटाला, जिन्होंने हरियाणा में डिज्नीलैंड प्रोजेक्ट को पूरा करवाने के लिए रोमेश की सेवाएं ली थीं और इन सेवाओं के बदले उसे अच्छी खासी कमीशन देने के साथ साथ ताऊ जी ने हरियाणा पुलिस की वाई कैटेगरी सुरक्षा भी दिलवाई थी। रोमेश शर्मा के इन कॉन्टैक्ट्स में नेताओं के साथ साथ एक ऐसे आदमी का नाम भी था जो ईमानदारी के घोड़े पर सवार हो, भ्रष्ट नेताओं पर लगाम कसने का काम किया करता था, या फिर यूं कहें कि कम से कम ऐसी बातें किया करता था। इस आदमी का नाम था टीएन सेशन। सेशन द्वारा चलाई जाने वाली देशभक्त सोसाइटी का ऑफिस दिल्ली की जिस बिल्डिंग में स्थित था वो रोमेश शर्मा की ही थी। मतलब ये कि रोमेश शर्मा टीएन सेशन का मकान मालिक था। रोमेश शर्मा के सबसे ज्यादा कॉन्टैक्ट्स कांग्रेस पार्टी में थे और उसे बेरोकटोक प्रधानमंत्री निवास पर आने जाने की अनुमति भी मिली हुई थी। इस गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के नेता और पूर्व गृह मंत्री सुबोध कांत सहाय बयान देते हैं कि वो तो रोमेश शर्मा नाम के किसी आदमी को जानते तक नहीं, लेकिन वो ये नहीं बता पाते कि 1990 में जब वो देश के गृह मंत्री थे तो उन्होंने इसी रोमेश शर्मा को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी आखिर क्यों प्रदान की थी। उधर एंटी करप्शन का झंडा उठा के चलने वाले टीएन सेशन भी ग्रेटर कैलाश में अपना ऑफिस रातों रात खाली कर देते हैं और जब उनसे पूछा जाता है कि वो ये ऑफिस क्यों छोड़ रहे हैं तो सेशन सफाई देते हैं, हम तो काफी समय से ऑफिस खाली करना चाहते थे, इस ऑफिस का किराया बहुत ज्यादा है जो हमारे बजट में पूरा नहीं पड़ रहा। किराया बहुत ज्यादा है, या तो सेशन साहब को आज तक पता ही नहीं था कि उनके इस ऑफिस का किराया कितना है, या फिर गिरफ्तार हुए उनके मकान मालिक ने जेल में बैठे बैठे ही रातों रात उनका किराया बढ़ा दिया था। इधर रोमेश शर्मा गिरफ्तार होता है और उधर कांग्रेस में उसके चमचे नीरज कुमार के खिलाफ एक खेल खेलना शुरू कर देते हैं। हुआ कुछ यूं था कि जब इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह रोमेश शर्मा की फोन कॉल्स को इंटरसेप्ट कर रहे थे, ठीक उसी समय दिल्ली पुलिस की एक स्थानीय टीम भी अबू सलीम की कॉल्स को सुन रही थी और उसके द्वारा रमेश मलिक को की गई वो कॉल जिसमें नीरज कुमार की बात हुई थी उस कॉल को एडिट करके सीबीआई डायरेक्टर की मेज तक पहुंचा दिया जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि नीरज कुमार काफी ज्यादा समस्या में आ जाते हैं और यदि उस समय सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर रहे गोपाल आचारी उनके बचाव में नहीं आते तो नीरज कुमार को इस केस से हटा सीबीआई से ही ट्रांसफर कर दिया गया होता। आखिर ये लोग कौन थे जो अभी भी रोमेश शर्मा को बचाने का प्रयास कर रहे थे और उसके इन लोगों के साथ क्या संबंध थे? आखिर ये रोमेश शर्मा था कौन और वो यहां तक पहुंचा कैसे था? यूपी के फूलपुर में जन्मा रोमेश शर्मा 60 के दशक में दिल्ली आ जाता है और सदर बाजार में पटरी लगा रुमाल बेचने का काम करने लगता है, लेकिन उसको जल्दी समझ में आ जाता है कि ऐसे छोटे छोटे कामों से उसके बड़े बड़े सपने कभी भी पूरे नहीं होने वाले। इसीलिए 1972 में वो मुंबई शिफ्ट कर जाता है जहां उसकी मुलाकात वर्दा राजन मुदलियर से होती है, मुंबई पे राज करने वाला अंडरवर्ल्ड डॉन जिसे वर्दा भाई के नाम से जाना जाता था। थोड़े से ही समय में रोमेश शर्मा वरदा भाई का बिल्कुल खासम खास गुर्गा बन जाता है और 80 का दशक शुरू होते होते उसकी नजर पश्चिमी मुंबई के रियल एस्टेट पर पड़ती है। सीआर का दिमाग रखने वाला रोमेश शर्मा अब करोड़ों के मूल्य वाली प्रॉपर्टीज को हथियाने के लिए एक बहुत ही नायाब तरीका अपनाता है।
पहले तो वो ऐसी विवादित संपत्ति को आइडेंटिफाई करता जिसके ऊपर अधिकार को ले कई पार्टीज आपस में लड़ रही हों। उसके बाद वो इनमें से किसी एक पार्टी से उनका हिस्सा खरीद लेता और फिर अपने अंडरवर्ल्ड के गुंडों का प्रयोग कर उस प्रॉपर्टी पर दावा करने वाली बाकी पार्टीज को धमकियां दिलवाने लगता। इन धमकियों से परेशान हो कुछ ही दिनों में ये लोग एक मामूली रकम के बदले अपने अपने हिस्से उसके नाम कर देते और इस तरह रोमेश शर्मा करोड़ों रुपए के मकानों, दुकानों और प्लॉट्स का एक लौता मालिक बन जाता। मुंबई की ऐसी एक प्रॉपर्टी थी जुहू में सन एंड सैंड होटल के पास स्थित सर्वे प्लॉट नंबर 507। रोमेश शर्मा ने बंदूक के जोर पर एसजेएल मीडिया से ये प्लॉट केवल 21 लाख रुपए में लिया था। एक विशाल काय सी फेसिंग प्लॉट जो उस समय भी कई 100 करोड़ रुपए की कीमत रखता था और आज तो इसकी कीमत हजारों करोड़ में है। वरदा भाई के आशीर्वाद से रोमेश शर्मा मुंबई में धड़ाधड़ संपत्तियों पर कब्जे किए जा रहा था कि तभी 1988 में वरदा भाई की मृत्यु हो जाती है और अभी उनकी चिता की आग भी शांत नहीं होती कि रोमेश शर्मा दाऊद का गैंग ज्वाइन कर लेता है। कुछ साल बाद दाऊद के आदेश पर रोमेश शर्मा दिल्ली आ जाता है और यहाँ आते ही उसे समझ आ जाता है कि राजनीति के सामने तो अंडरवर्ल्ड बच्चों का खेल है। अंडरवर्ल्ड आपको पावर तो देता है लेकिन आपके सर पर हर समय कानून की तलवार भी लटकी रहती है। वहीं राजनीति आपको पावर देने के साथ साथ इस तलवार से बचाने वाला कवच भी प्रदान करती है। दिल्ली में रोमेश शर्मा नेताओं के लिए विवादित प्रॉपर्टीज पर कब्जा करवाना शुरू कर देता है और इसके बदले उसे नेताओं की दोस्ती के साथ साथ अच्छी खासी मोटी कमीशंस भी मिलती हैं। नेताओं के साथ रहकर रोमेश शर्मा अब खुद एक नेता बनने का सपना देखने लगा था और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए पहले वो चरण सिंह का लोकदल ज्वाइन करता है और फिर कुछ समय बाद मेनका गांधी का राष्ट्रीय संजय विचार मंच। कुछ ही समय के अंदर अंदर हालत ये हो जाती है कि इस मंच में मेनका गांधी से कहीं ज्यादा समर्थक रोमेश शर्मा के होते हैं और वो जल्द ही मेनका गांधी को उनके ही मंच से बाहर निकाल अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेता है। ये वो समय था जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, मतलब ये कि अब रोमेश शर्मा को अपने अपराध का नंगा तांडव करने की खुली छूट मिल चुकी थी। पहले रोमेश शर्मा को कांग्रेस पार्टी के किसान सेल का अध्यक्ष बनाया जाता है और फिर AICC में भी जगह दे दी जाती है, लेकिन ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। हमारी सरकार इस खादी पहनने वाले दाऊद के गुंडे को वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी उपलब्ध कराती है, सुरक्षा जिसके खर्चे का बोझ मेहनत से 4 पैसे कमाने वाले इस देश के नागरिकों को झेलना पड़ता है। अब रोमेश शर्मा अपराध के एक ऐसे घोड़े पर सवार था जिसे खादी के अत्यंत शक्तिशाली पंख लगे हुए थे। कांग्रेस में आते ही वो सबसे पहले एक नेता के फार्म हाउस के ऊपर कब्जा करता है और मजे की बात ये थी कि ये नेता असम से कांग्रेस के ही एक MP थे। इस फार्म हाउस के बाद रोमेश शर्मा मेफेयर गार्डन्स में एक फ्लैट को हथिया लेता है, लेकिन ये फ्लैट किसी नेता का नहीं बल्कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर का था और इस फ्लैट को खरीदने में उनके जीवन भर की सारी कमाई, सारी पूंजी लगी हुई थी। अब रोमेश शर्मा दिल्ली में एक के बाद एक करोड़ों रुपए की संपत्ति को बिना डकार मारे निगले जा रहा था और दिल्ली के किसी भी थाने में उसके खिलाफ एक कागज तक मौजूद नहीं था। पूरी दिल्ली में एक भी माई कलाल ऐसा नहीं था जो अपराध के घोड़े पर सवार इस दानव को रोकने की हिम्मत दिखा सकता हो। रोमेश शर्मा की गिरफ्तारी के बाद CBI उसके ऊपर अलग अलग धाराओं में कुल 13 केस दर्ज करती है। CBI को इस बात का पूरा पूरा अंदेशा था कि रोमेश शर्मा को पहली तारीख में बेल मिल सकती है और यदि ऐसा हुआ तो वो बाहर आके सुरेश राव और दूसरे गवाहों के ऊपर दबाव डाल सकता है। ऐसा होने से रोकने के लिए CBI रोमेश शर्मा के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा देती है, एक ऐसी धारा जिसके तहत अभियुक्त को बेल मिलना लगभग असंभव होता है। कुछ धाराओं में रोमेश शर्मा को 14 साल की सजा सुनाई जाती है तो कुछ में वो बरी हो जाता है, लेकिन मजे की बात यह है कि हत्याई हुई वो सारी प्रॉपर्टीज उससे आज तक कोई नहीं छीन पाया है और उनसे आने वाला किराए का सारा पैसा आज भी उसी की जेब में जा रहा है। अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान नीरज कुमार को रोमेश शर्मा के एक ऐसे पहलू के बारे में पता चलता है जो उनके मन को घिन से भर देता है। उन्हें पता चलता है कि रोमेश शर्मा को औरतों का उत्पीड़न करने में खास मजा आया करता था और वो अपने साथ काम करने वाली महिलाओं का इस्तेमाल बड़े बड़े नेताओं को खुश करने के लिए भी किया करता था।
नीरज कुमार को एक ऐसी ही महिला के बारे में पता चलता है जो रोमेश शर्मा के स्टाफ में काम किया करती थी और कई सालों से उसके हाथों लुटती आ रही थी। एक शाम इस महिला की कॉलेज में पढ़ने वाली बेटी अपनी माँ के साथ घर जाने के लिए उसके ऑफिस आती है। इस मासूम सी बच्ची को देख रोमेश के अंदर का राक्षस जाग जाता है और वो किसी काम के बहाने उसकी माँ को बाहर भेज देता है। लगभग 15 मिनट बाद जब वो महिला वापस आती है तो देखती है कि उसकी बेटी अपने कटे फटे कपड़ों को संभालते हुए बुरी तरह रो रही है और रोमेश शर्मा वहीं सोफे पर बैठा मंद मंद मुस्कुरा रहा है। कई महीनों की मेहनत के बाद नीरज कुमार उस महिला को ट्रेस कर ही लेते हैं और एक दिन साउथ दिल्ली में स्थित उसके फ्लैट की घंटी बजा देते हैं। मुझे लग रहा था कि आप आ सकते हो। नीरज कुमार को अपनी चौखट पर खड़ा देख वो महिला कहती है, मैं उस कमीने के केस को अखबारों में पढ़ रही हूँ और मुझे पता था कि आप मुझे ढूंढ लोगे। अपनी ये बात खत्म कर ये महिला चाय बनाकर लाती है तो नीरज कुमार उससे कहते हैं, मैं आपको परेशान नहीं बल्कि हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करने आया हूँ, मेरी मदद कीजिए, उस राक्षस के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाइए, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं उसे सजा दिलवा के ही छोड़ूंगा। इससे पहले कि नीरज कुमार की बात खत्म हो पाती एक बार फिर फ्लैट की घंटी बजती है। ये महिला दरवाजा खोलती है तो उसकी बेटी घर के अंदर प्रवेश करती है और नीरज कुमार को नमस्ते करने के बाद चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अभी भी आप चाहते हैं कि मैं कंप्लेंट लिखाऊं? इसका रिश्ता पक्का हो चुका है और कुछ महीने बाद शादी होने वाली है। साहब, मैं अपनी बेटी की जिंदगी खराब नहीं कर सकती, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूं, प्लीज आप यहां से चले जाइए। अपना सर झुकाए नीरज कुमार किसी तरह अपनी चाय खत्म करते हैं और रुंधे हुए गले से इस महिला को नमस्ते करने के बाद चुपचाप वहां से चले जाते हैं।